मैं एक अहम मसला उठा रहा हूं और ये बताना चाहता हूं कि किस तरीके से इस मुल्क में आज हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में एक नफरतों की दीवार को बनाया जा रहा है, उनके जहनों को दिलों को बांटने की कोशिश की जा रही है और उनके जहनों को इस तरीके से करप्ट कर दिया जा रहा है कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं, रेडिकलाइज कर दिया जा रहा है। और इसी रेडिकलाइजेशन का एक जीती जाती जागती मिसाल हमारे सामने हालिया अरसे में पेश आई। वैसे तो हम मुल्क में कई जगह पर देख रहे हैं कि किस तरीके से कभी लव जिहाद के नाम पे मुसलमानों को मारा जा रहा है, कभी घर वापसी के नाम पर। तो आज मैं आपके जरिए बताना यह चाहता हूं कि 31 जुलाई को ट्रेन नंबर 12956 जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में जो वाकया पेश आया, और वो वाकया ये था कि एक आरपीएफ का कांस्टेबल जिसका नाम चेतन सिंह था, उसने एक तो चार लोगों को गोली मारकर उनकी जान ले ली, जिसमें एक उन्हीं का एक एएसआई ऑफिसर था उसको गोली मार दी, और उसके बाद में तीन लोगों को, मुसलमान थे उसमें, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां थीं, उनको गोली लगाकर कनपट्टी पर एक बोगी से दूसरे बोगी, तीन बोगी आगे ले जाता है और ले जाकर उनको गोलियां मारता है, और मारने के बाद यह कहता है कि इस मुल्क में रहना है तो मोदी और योगी को वोट देना पड़ेगा। और अफसोस, मोदी और योगी के साथ कहता है कि फिर ठाकरे को वोट देना है। तो मुसलमानों के साथ इतनी नफरत क्यों? और वो लोग जो आज नफरत की बुनियाद पर इख्तदार को हासिल कर रहे हैं या फिर आने वाले कल में इख्तदार को हासिल करना चाहते हैं, ये मुल्क को तबाही व बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। स्पीकर साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि उन तीन मुसलमानों में एक मुसलमान शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखता था, और उस मुसलमान का नाम था सैफुद्दीन। वह सैफुद्दीन अजमेर की दरगाह को गया था, वहां पे उसने दरगाह में जियारत की, और अपने मालिक एक छोटे से मोबाइल की दुकान में काम करता है, अपने मालिक के साथ अजमेर को गया, और उसका सेठ, उसका मालिक उसके साथ में है, वो गैर मुस्लिम है, तो वो परेशान होकर उनकी फैमिली को बोलता है कि हम बॉम्बे पहुंच गए हैं, उतर गए हैं, लेकिन ये बच्चा नहीं है। तो उसके बाद जब आगे जाकर देखते हैं तो उसको गोली मार दी गई है, और हद तो ये है कि एक गोली मारी और जब वो नहीं मरता है तो और एक गोली मारी गई। तो ये नफरत है कि आज तेलंगाना रियासत में हम ऐसी ताकतों को रोकने में 9 बरस में कामयाब हुए हैं, और इंशाल्लाह आगे भी हम इनको रोकेंगे, इनको शिकस्त देंगे, हम इनको बताएंगे कि तेलंगाना में हिंदू मुसलमान आपस में मोहब्बत के साथ रहता है। और आज मुल्क को क्या चाहिए? मुल्क को तरक्की चाहिए, मुल्क को खुशहाली चाहिए, मुल्क को बेरोजगारी का खात्मा चाहिए। आज इसके ऊपर तवज्जो नहीं है, बस सिर्फ नफरत 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 की बात करते हैं। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से मैं दरख्वास्त करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि सैफुद्दीन जो बाजारघाट में रहता है, उसके तीन लड़कियां हैं, एक सबसे बड़ी लड़की 6 साल की, दूसरी लड़की 3.5 साल की, और तीसरी लड़की सिर्फ 6 महीने की है। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा कि इसकी बीवी जो है, इसकी वाइफ अंजुम शाहीन जो है, जो इंटरमीडिएट पास है, इसको एक सरकारी नौकरी अगर देंगे आप तो मैं आपका ममनून और मशकूर रहूंगा। और इसके साथ साथ 2 बेडरूम का फ्लैट अगर मलकपेट में या चंद्रायन गुट्टे में जहां बन रहा है वहां पे एक 2 बेडरूम देंगे, और कुछ ना कुछ इमदाद अगर रियासती हुकूमत की जानिब से
ان تین معصوم بچیوں کے لیے اور اس کی بیوہ بیوی کے لیے اگر دی جائے گی تو ایک اچھا میسج جائے گا اور ہم بتائیں گے کہ یہ اس ریاست میں ہم فرقہ پرستوں کو کبھی آگے بڑھنے نہیں دیں گے، ہم ان لوگوں کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے جو نفرت کی بنیاد پر ہندو مسلمان کو بانٹنا چاہتے ہیں۔ تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے درخواست کروں گا کہ ٹو بیڈ روم کا ایک فلیٹ اور ان بچیوں کو کچھ کمپنسیشن اور سرکاری نوکری دیں گے تو ہم کافی ممنون و مشکور رہیں گے آپ کے، اور اس کو ضرور مسلمان یاد رکھیں گے، اور آپ کے اس اقدام کا مسلمان ساری ریاست میں نہیں بلکہ ہندوستان میں اس اقدام کی ستائش بھی کریں گے۔ I stand with my friend Akbar Owaisi in expressing wholehearted condolences to that family, sir. جنگا گوڑا پیپر میں جو پڑھا تھا سر اکبر صاحب، بہت برا لگا، بہت ہی گرو دگجارین چھنڈالپو راجکیم ادھیکش ہے، منچت کا ڈیفینیٹ گا آئی ایشور یو سر، یو پلیز گیو می اے لیٹر، دا لیڈی ہو از ناؤ اے ویڈو انفارچونیٹلی، وی ول انشور دیٹ ان امپلائمنٹ از پرووائڈیڈ امیڈیٹلی، میں کل آرڈر میں دے دیتا ہوں 100% گورنمنٹ میں، یا تو جی ایچ ایم سی ایچ ایم ڈی اے یا کیو کیو ایس یو ڈی اے، کہیں نہ کہیں بچی کو وہاں پہ امیڈیٹلی روزگار میں دے دیتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ تین جو چھوٹے بچے ہیں، میں گورنمنٹ کی طرف سے تو فی الحال نہیں بول سکتا کیونکہ سی ایم صاحب نے ایک بار ان سے پوچھنا پڑے گا، بٹ ہمارے بی آر ایس پارٹی کی طرف سے ایک ایک بچی کے نام پہ 2-2 لاکھ روپیہ ہم ڈپازٹ کریں گے، فکس ڈپازٹ کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں مجلس پارٹی بھی آگے آئے گی، آپ بھی کچھ دیں گے، دونوں مل کے ہم لوگ ان کو اچھا سا اچھا ان کے فیملی کی حفاظت کے واسطے، بچوں کی حفاظت کے واسطے ہم ایک ایک بچے کے نام پہ 2-2 لاکھ روپیہ ڈپازٹ کریں گے۔ آپ بھی کچھ کریے، پھر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ کرنے کی کوشش بھی بالکل کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ڈبل بیڈ روم آپ نے کہا، میں امیڈیٹلی کل ہی آرڈر دیتا ہوں، آپ ہی آئیے، دونوں مل کے ان کو ایک گھر بھی دلا دیں گے۔